जो आप कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर कि कुछ आपको मसाला मिल जाए, कंट्रोवर्सी मिल जाए, ऐसे मतलब आधा घंटा वेट किया कि राजकुमार को अकेले पकड़ लेंगे, कुछ कंट्रोवर्सी मिल जाए। फिल्म रिलीज है 26 जुलाई को, फिल्म बन गई है, तैयार है, और उसके रिलीज की डिसीजन डेट तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो मेकर्स के हाथ में है, तो वो डिसाइड करेंगे। मैं अभी शूटिंग कर रहा था, कल ही मैं आया हूँ हरियाणा में 44 डिग्रीज में ओपन सन के अंदर, तो वहाँ पे कुछ टाइम नहीं था, नेटवर्क नहीं था क्या करने का। यस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपका। जानवी इज अ ग्रेट गर्ल, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, अ गुड फ्रेंड, तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। इट्स अ वेरी क्वर्की स्क्रिप्ट। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है एयर पॉल्यूशन का, और देखिए मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो 13 सिटीज़ हैं, 20 सिटीज़ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं, उसमें 13 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया में हैं जो पोल्यूशन के अंडर आती हैं, वर्स्ट पोल्यूशन। सो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस कॉज है, और ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे। सो आई थिंक उसके लिए भामला फाउंडेशन, SBI, यूनाइटेड नेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट साथ में आए हैं कि हम इसके लिए कुछ करें, इस कॉज के बारे में लोगों को अवेयर कराएं, एंड हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू एटलीस्ट फाइट इट, बिकॉज ये हमारे लिए नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, दैट्स व्हाई यू नो आई ऑलवेज स्टैंड विद मिस्टर भामला हियर। थैंक यू सो मच। राजकुमार, अगर बात की जाए इस तरह के सोशल कॉज की, तो एक्टर्स आज खुलकर बाहर आ रहे हैं इस तरह के कॉज को प्रमोट करने के लिए, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप साथ लेके चलते हैं जब इस तरह के कॉज को आप प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं? आई थिंक ये सिर्फ एक्टर्स की नहीं है, किसी एक जने की नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी अहमियत को समझें, इसकी सीरियसनेस को समझें, क्योंकि ये आज नहीं तो अभी ऑलरेडी इतना देखिए पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली हमारी जो है कितनी बार वर्ल्ड की नंबर वन पोल्यूटेड सिटी में आती है, तो आई थिंक बेसिक एक चीज़ है क्लीन एयर जो हमें नेचर ने दी थी, बट आई थिंक समवेयर हमने उसको ख़राब कर दिया है। तो अगेन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मदर अर्थ के लिए, नेचर के लिए वापस उस क्लीन एयर को लाएँ, और आप अपने लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, देयर आर सो मेनी यू नो डेथ्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ बैड एयर। तो बहुत प्यारा एक सॉन्ग बनाया है, क्योंकि म्यूजिक की रीच बहुत ज़्यादा होती है, आई थिंक म्यूजिक कनेक्ट्स वेरी वेल विद एवरीवन। तो शामक सर ने कोरियोग्राफ किया है इसको, थोड़ी सी हवा आने दे सर आप। हवा आने दे या हवा आने दे, पिछले साल आप लोगों ने देखा था टिक टिक प्लास्टिक, एक बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन था, और बहुत ही सिंगर्स ने, सारों ने मिलकर, एक्टर्स ने सपोर्ट किया। तो इस बार अपफ्रंट में भी हमने सोचा कि भाई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर काफ़ी सहयोग किया, तो हमने सोचा कि भाई एक जॉइंट इनिशिएटिव करें, और ज्ञान से लोग परेशान और थक गए हैं, तो संगीत के माध्यम से जो है, क्योंकि नौजवान और जो नववर्ग है वो इस भाषा को ज़्यादा समझता है, इसको ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए जब मैंने तमाम फिल्म के जो लोगों से मैंने जब बात की, चाहे वो कपिल शर्मा जी हो, चाहे अन्य जो लोग हैं, शंकर माधवन जी हो, दिया मिर्ज़ा जी हो, राजकुमार जी से मैंने कहा, हालांकि उनकी शूटिंग थी, उन्होंने वो कैंसिल करके, उनका इस कॉज के लिए मैं डेफिनेटली समर्पित हूँ, क्योंकि ये गाना रिलीज़ हो रहा है, ये गाना रिलीज़ हो रहा है 5 जून को, जो जागतिक पर्यावरण दिवस है, और उस दिन में कार्टर रोड पे तमाम फिल्म के लोग, तमाम सियासी हलके के लोग, तमाम स्पोर्ट्स पर्सन्स भी उसमें बड़े पैमाने पे शामिल होने वाले हैं।